जीने का मजा तो सुबह में है। आप वैसे है शायद छोटा मोटर बड़ी लगी हुई है अंदाजा हुआ देखिए और अपनी पहुंच से बड़ी बात नहीं करते तुम हाथ उधर कर रहे थे हाँ देखिए हद हो गई है
नहीं ये हाथ मेरी तरफ नहीं करते, एक्चुअली मैं खड़ी हूँ तो ये हाथ उधर करते और बाद में मुड़ के भी उसी की तरफ। ये अच्छा किया असल वो मौजूद। अब ये देखिए ये गए का ये यहाँ तक पहुँचे, उस बिचारी ने कहा कि नहीं भैया मुड़ गई वो पूरी है ना। जनाब यार अरोहा हमारे साथ मौजूद है, अली रजा मौजूद है, लेकिन आज एक सुल्तान हमारे साथ यहाँ मौजूद है। वाह सुल्तान से याद क्या आता है, ऐसा एक सुल्तान यू नो डैशिंग किस्म का जिसने चश्मा लगाया होगा। मैं उस सुल्तान की बात नहीं कर रही हूँ, हम सबका भाई सलमान भाई है, लेकिन यहाँ एक सुल्तान है जनाब जिससे मैंने मिलवाना है आपको थोड़ी सी देर के बाद। और लवली ऑडियंस अपने लिए तालियां बजाएं जल्दी से। अब आप लोग जरा साइडों पे बिखर सकते हैं ताकि मैं अपना शो स्टार्ट करूँ, प्लीज़ प्लीज़ ताकि। और अभी थोड़ी देर में हमें बहुत हमारे जो अच्छे खूबसूरत से प्यारे से फ्रेंड्स हैं उन्होंने हमें ज्वाइन करना है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो आते जाएंगे मैं आपको उनसे मिलवाती जाऊँगी, लेकिन फिलहाल हम अरोहा से तो जा रहे हैं। अरोहा अरोहा खुदा के वास्ते ये बताइए कि आप कहाँ गए? कहाँ गायब थी? मैं यहीं थी, शूट चल रही थी सारी। मैं हमने कल रात को ही बकरीद के कुछ सीन्स रिकॉर्ड किए हैं बकरा पे और गाय पे, और बड़े मज़े के सीन। अच्छा ये तो बकरे और गाय से डर वर लगता है? गाय से लगता है, बकरे से तो नहीं। गाय बेचारी ने अच्छा लास्ट हमारी जब गाय बैल बैल से डर लगे तो समझ भी आती है। हमारी गाय जो जब उतरी ना गाड़ी से तो वो रस्सी छुड़ा के भाग भी गई थी। तुम्हारे घर की अपनी पर्सनल गाय? हमारी पर्सनल गाय। फिर हम उसको लेने के लिए भागे हैं मेरे भाई भाई सब, हम सिर्फ देखने के लिए आए, वो हमें देखते ही भाग गई। उसने कहा मुझसे बड़ी बड़ी मौजूद है ना भाई, और वो भाग गई। फिर बड़ी मुश्किल से भाई उसको लेकर आए और बांधा दोबारा, लेकिन हमने कब उसको खोला है जिस दिन हमें सुबह जबा करना, वो इतनी खुराट। अल्लाह बेचारी। कल मैंने एक फेसबुक पे वीडियो वायरल हुआ है, मैंने देखा, मुझे इतना अफसोस हुआ, वो बेचारे बकरे को पैरों हाथों से मार रहे हैं। खुदा के वास्ते ये बड़ी मासूम चीज़ है और ये हम पे फ़र्ज़ है, सुन्नत है, ये हमने जो पूरी करनी होती है, और इसके लिए फ़र्ज़ भी है कि इसको आप पालें। पहले ज़माने में तो जानवर को कुर्बानी के जानवर को पाला जाता था ताकि आपकी उससे उनसियत हो, उससे मोहब्बत हो, फिर जब आप उसे ज़िबा करें तो उस तकलीफ को आप महसूस कर सकें कि जिस तरह हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़िबा किया था, उस मोहब्बत को महसूस करने के लिए। मैं कल बड़ा मुझे दुख हुआ उस वीडियो को देख के जनाब, कि वो कौन हमें जहालत इतनी भर गई कि हम एक बेज़ुबान जानवर एक पल को सोचे कि आप उसको लाते मार रहे हैं, आप उसे उठा उठा के यूँ मैंने देखा दोनों टांगों से पकड़ा हुआ हाथ यूँ यूँ दीवार, क्या किया उसने यहाँ पे इंसानों के साथ ऐसा होता है जानवर। नहीं 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 जो कुर्बानी का जानवर कुर्बानी है उसका तो बड़ा ख्याल करना चाहिए, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करना चाहिए, प्यार करना चाहिए ताकि उसकी जो मोहब्बत जो उनसियत है वो नजर है। कुर्बानी का असल मकसद को हमें जानने की बड़े ज़रूरत है जनाब। हम हंसी मजाक ज़रूर करते हैं, हमारे शोज़ होते भी इसलिए हैं कि हम आपको सुबह सुबह स्ट्रेस ना दें, टेंशन ना दें, लेकिन कहीं ना कहीं काम की बात ज़रूर है, वो ये है कि जानवर से आपने प्यार करना है, आपने मोहब्बत से उससे प्यार पालना है, वो जितने दिन भी आपके पास है, एक दिन दो दिन जितने दिन पहले ला रहे उसकी खिदमत करें ताकि आपकी कुर्बानी उसके वहाँ कबूल हो। जनाब आज हम यहाँ मौजूद हैं जनाब, बड़े खूबसूरत खूबसूरत जानवर हैं, हम आपको दिखाते हैं खूबसूरत जानवर, और सूफी कैटल पे हम मौजूद हैं। देखेंगे जी सूफी वालों ने आज अपना जो ये कैटल सजाया है इसमें क्या कौन कौन सी शाहरा चीज़ें मौजूद हैं। आपने ले ली कुर्बानी के लिए जानवर लिया? मेरा काम नहीं है ये, मेरे बहनोई का काम है, ये मेरे बहनोई का काम है, नहीं तो हमारे यहाँ एक दिन पहले क्योंकि हमारे यहाँ मसला तुम्हें पता है रखने का, और फिर मेरे हस्बैंड हमारे वहाँ तो तकरीबन एक हफ्ता दस दिन पहले आता है, हमारे भी आते हैं। इस दफा जो टेंशन दे दी ना कांगो वायरस ने, उसने बड़ा सबको टेंशन दे दिया। मैंने इस बार 6 महीने पहले ले लिया। आप ये बता दें 6 महीने पहले लिया तो आप इन्हें सूफी कैटल क्यों ले आए? नहीं मैंने यह दिखाया, मैंने दिल बहल जाएगा, बड़े भाई बहन मिल जाएंगे, जानवर मेरे पास। अच्छा मैं हैरान थी जब ये बैठ के गा रहे थे अली रजा तो ये भी बैठ गए, मैं कहा आप तो खड़े हुए बैठे हैं, खुदा के वास्ते आप भी बैठ रहे हैं। इसमें एक क्वालिटी है ये बैठ कर पूरा ये देख रहे आप, ये खड़े हो के पूरा देखे, बैठो शाहिद भाई आ जाओ भाई, ये देखे अच्छा जी आए जरा चेक करते कि आज यहाँ क्या आपका सबसे खूबसूरत यहाँ का जानवर कौन सा? मैंने तो ताड़ लिया, मैंने किसके पास जाना है आप बताएं। मैं इनको इनके अलावा अरे नहीं मुझे वो पूरी गाय बहुत पसंद आ रही, वो अब गाय है या वो बैल है ये मुझे नहीं पता, भी करेंगे ना जाके, ये भी खूबसूरत है, इसलिए तो हमने अपने पीछे रखा हुआ ताकि हमारा फ्रेम बड़ा खूबसूरत है, ये देखे जनाब। और फिर उसके बाद मैंने आपको मिलवाना है
एक सुल्तान मेरे जान देखे लगता है इससे ये कल का वीडियो देख लिया डर गई है ये बेचारी बली भाई इसको ठीक कर लेंगे अभी अभी दोस्ती कर लेंगे अभी रिश्तेदारी पूरी निकालेंगे बली भाई और फिर इसका पूरे खानदान का शजरा में बताएंगे कहाँ से चला फुप्पो नहीं फुप्पा डरना नहीं बेटा देखो इधर आओ देखो देखो छोटी नस्ल का जानवर मुझे ये बहुत प्यारा लगा और इसी में वो शेड देखे जरा बली भाई लाइट एंड डार्क क्या प्रिंट है माशाल्लाह माशाल्लाह कुदरत खुदा की क्या खूबसूरती है आप ये देखें और जब आप इसको घर लेके जाते हैं यकीनन इससे मोहब्बत भी होती है मुझे देख के इतना प्यारा आ रहा है फिर जब आप कुर्बान करते हैं तो महसूस हम तो बिल्कुल इन लोगों ने तो ये तो प्यार आएगा ही ना और इनसे वाकई प्यार करना चाहिए वाकई और जनाब जहाँ तक रही बात क्या आप लोगों से पूछते हैं एक मिनट इधर आए भाई आप क्या होते हैं कैटल में बातों कर ले हमसे डरते क्यों है सारे हमसे डर डर के भाग रहे ताकि हम उनके बारे में कुछ पूछे ना नहीं हम खुद बात करेगा क्या खरीदना है हम बेचता भी है नहीं नहीं हमने ये पूछना इस माइक को ऑन करवाइएगा जरा मुझे ये बताएं आप लोग इतना अरसा इन लोगों के साथ गुजारते तो आप लोग को बड़ी उनसियत बड़े मोहब्बत होती होगी इन जानवरों से जानवर से बहुत मोहब्बत होती है जब ये कोई खरीद लेके जाता है तो आपको ये होता है कि कोई इनके साथ बुरा सलूक ना करे अच्छे से रखे ना अच्छा खिलाए हाँ उन्हें बताते भी हैं कि क्या खाते हैं क्या ये करते हैं राशन वंडा संडा कहता हूँ खिलाऊंगा राशन वंडा संडा वंडा आपको शक्कर वंडा तो मैं सुनवा सकती हूँ लेकिन ये राशन वंडा संडा मुझे मैंने आज पहली दफा सुना है इसके साथ आप राशन हमें साथ देंगे आजा बेटा अच्छा नहीं नहीं उसको छोड़े ये बताएं है कितने की ये 4.5 लाख मेहनत होती है अच्छा जी इसको पाला होता है मेहनत होती है बिल्कुल एक और आपको दिखाते हैं ये जो बड़ा सा प्रिंट है ना जिसके पीछे भाग भाग के शायद भी आए जरा आए ना आपकी मोहब्बत तक आपको लेके चले दो रस्सी बंधी हुई है हेलो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपके हमारे एक और मेहमान है हमें ज्वाइन किया शक्ल देख लेंगे तो आप पहचान जाएंगे जनाब ये हमारे साथ मौजूद है अमसा मैं हमेशा नाम गलत लेने से बेहतर हाँ। पूछ सोचती हूँ लोग भी नाम गलत लेते हैं अस्मा लेते हैं हाँ। अमसा से हम आपको मिलवा रहे हैं अमसा हमारे साथ मौजूद है इस वक्त और अमसा आपके यहाँ बता दें आ गई है कुर्बानी का जानवर अभी अभी लाना है क्योंकि शूट से कंटिन्यू मसरूफ थे तो हाँ। मैं खुद जाती हूँ अपने मैं और मेरे हस्बैंड अरे वाह अरे वाह आपको बता मैं पहली दफा आई थी कहीं भी जब हमने पहला शो किया था अच्छा तो उससे पहले मैं कभी नहीं गई मेरा भी आज फर्ज है मैं कभी नहीं आई हमने तो सोचा तो मैं बड़ा कर दे आज भी सिखा दे पहली दफा आई नहीं मैं तो हर साल अच्छा तो मार्केटिंग कौन करता है आपके हस्बैंड करते हैं या आप खुद करती हैं मैं खुद भी करती हूं उधर जाती हूं आप क्या 4.5 लाख वो देखते हैं कि खवातीन आई हैं तो जाहिर सी बात है उनका एक वो डिफरेंट होता है कि वैसे तो जेंट्स ज्यादा यहां पे आते ज्यादातर तो औरतें कम ही आती है लेकिन मुझे मजा इसलिए आता है क्योंकि हम पूरे ग्रुप में आते हैं कजन वगैरह सब मिलकर अच्छा स्पेशली रात को पार्टी टाइम बिल्कुल रात को अक्सर आते हैं आपको पता है ये शायद भाई की मोहम्मद शायद भाई जाए ना आप डर क्यों रहे हैं करीब नहीं पैर पड़ जाए अच्छा मुझे बकरों से इतना डर नहीं लगता मुझे बड़े जानवर से लगता है सो स्वीट आपको पहचान गई है बस 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 ऐसा ओ चलो वापसी आओ घर पे आओ पैसे चलो वापसी आओ घर पे आओ आ गए घर आ गए वापस आ गए शायद भाई आपसे सलाम बताए आप हमारी क्रिकेट टीम से भी बेहतर निकले क्या अच्छी परफॉर्मेंस थी चेक करें आपको आउट नहीं किया जाएगा आपको टीम से भी बाहर नहीं रेस्ट करने के लिए बिठाया आप हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे अच्छा मैं बोलती थी अपने भाई से जब ये लोग जाते थे ना मंडी तो रात हो जाती थी आते ही नहीं थे तो मैं कहती थी क्या ऐसा क्या करने जाते हो तो कहते थे हम चूजा खरीदने नहीं गए गाय खरीदने गए वैसे गाय खरीदने में क्या चीजें आप बताएं क्या क्वालिटी आपके यहाँ जानवर बकरा आता है या गाय बकरा एक छोटा आता है बकरा और एक बड़ी जैसे बच्चिया होती है हाँ। इसीलिए कहते हैं उसका गोश्त अच्छा होता है अच्छा होता है हाँ। हाँ, तो हम लोग बड़ा जानवर प्रेफर नहीं करते हाँ। तो बच्चिया हम लेते हैं अच्छा होता ये है कि मार्केट में उनको पता होता है कि खरीदार ने तो आना है हाँ। और वो डबल प्राइस बता रहे होते हैं तो जब आप एक बार्गेनिंग नहीं करेंगे तब तक वो आपको सही प्राइस तो में नहीं अच्छी बच्चिया की पहचान आप मुझे ये बताएं यहाँ से कोई बच्ची आपको नजर आ रही है कि बच्चिया हो
चले सारी मेरे ख्याल ये जो छोटे वाले ब्राइड है ना जो आगे आया आज आपको ये भी बताते हैं कि प्रॉपर गाय में और एक बछिया में क्या फर्क है भाई। बछिया है ना ये वाली ये आई जी ये बच्चे तो बहुत बड़ी बच्चिया बहुत बड़ी भी होती है तो आपको पहचानने में मुश्किल होती है। ये बच्ची है तकरीबन बच्ची है और ये और ये बच्ची भी कम होती है। ये बच्ची और ये बच्ची भी है और ये कितने की है भाई ये है कितने की वो शरीफ का है वो कितने की है सवा छह लाख। अच्छा हम आपकी कीमत थोड़ी बताइए हम ना आप खामोश रहे आपको कुछ नहीं कह रहे। आइए आइए भाई सही से ही बताओ ये सबसे शरीफ है मासूम मेरी जान हाँ जी वाकई शरीफ है। तुम क्यों बुरा मान रही हो तुम भी शरीफ हो। अरे दोनों जुड़वा है एक ही नस्ल है ना दोनों बहनें लग रही हैं ट्विंस ट्विंस बॉय ट्विंस सिस्टर्स। अच्छा जी और अब आपको पता है अब वो दौर आ गया जिसमें इनके जेवर भी बकायदा तैयार हो रहे हैं क्या सजावट है क्या अच्छा हमारे वहाँ इनके जो जेवर होते हैं ना वो रख दिए जाते हैं कुर्बानी वाले उठा के रख देते हैं संभाल के जानवर को अस्मा अमसा आती है ना कुर्बानी करने के लिए जरा अमसा से पूछते हैं अमसा दांत वात कैसे चेक करते हैं जरा बताए वलीद भाई बताएंगे कैसे करता है वलीद भाई जल्दी से करके बताए ऐसे चेक और ये तो सबसे मासूम है ऐसे ओ वो कह रही मैंने दांत ब्रश किए ना मेरा बच्चा इसका ज्यादा दांत टूटा हुआ वो टूटा हुआ या घिस ज्यादा किया नहीं वो घिस दिया है थोड़ा सा कि खूबसूरती में आ जाए। अच्छा अभी बताओ क्या पैसे देंगे 6.25 करोड़ रुपए का है ये हमने प्लॉट नहीं लेना हाँ नहीं सब अभी फेज 8 पे नहीं लेना हम यहाँ की बात कर रहे हैं गाय की। ये इधर क्या नाम है हमारा सूफी में आए आप लोग किधर है हम सूफी बताओ ये तो आप नहीं है जब अभी तुम सूफी क्या हम नहीं है ना सूफी मगर ये भी 6.25 करोड़ का इसी तरह अल्लाह हुकनी 6.25 भाई साहब मैं आपको बताऊं मैं इसके प्राइस अब 25,000 से शुरू करूंगी। आपकी मर्जी आप 25,000 में ये भी नहीं आएगा अच्छा आप इसके तो आपने दांत चेक करवा दिए हमें अब उस वाली के भी दांत चेक कराए ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सी लेनी जाए हमने आपके दांत देखे बेटा आप हमें पसंद आई है थोड़ी देर में देखते रिश्ता तय होता है कहां इज्जत रख लेना तुमको खुदा का वास्ता आ जा आ जा देखे देखे बली भाई अच्छा प्यार से ये देखे ऐसा ना बली भाई देखे आजकल जरा खवतीन की पावर है जरा ख्याल रखिएगा के पास खड़ी है ये अपने दांत अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि आज हम आपको क्या करने वाले हैं कि आज हम आपको जहाँ इन छोटी छोटी मासूम मासूम बच्चियों से मिलवा रहे हैं वहाँ मैं आपको मिलवा रही हूँ सुल्तान से जनाब जिसके स्टाइल अलग होंगे जिसका अंदाज अलग होगा जिसके चलने फिरने से पता चलेगा कि मैं हूँ सुल्तान सुल्तान से मिलेंगे नहीं नहीं खरीद रहा है भाई नहीं खरीद रहा है तुमको नहीं खरीद रहा है कुछ नहीं आपने लाल शर्ट पहनी आपको पता चला हेलो आइए चलिए मेरी एक हमारी आर्टिस्ट है वो भी गाय खरीदने आई हुई है जब तक समरा को माइक लगता है उस पे हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम समरा क्या हाल है बिल्कुल ठीक ठाक जानवर खरीदने की प्लानिंग कर ली आपने बस ये चली रही है चली रही है चल रही है बस जल्दी से आप माइक लगवाइए ताकि हाँ, हम गुफ्तगू करें। अच्छा जी ये मुझे बताएं नासिर आप लोग जब टेलीफोन कॉल करके बताइए आप लोग जब मंडी में जाते हैं और कोई जानवर ढूंढ रहे होते हैं तो किस तरह का जानवर देखते हैं आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है वो खूबसूरत हो सेहतमंद हो बहुत ज़्यादा या फिर क्या कहते हैं कि वो मासूम हो जैसे वो थी आपकी क्या प्रायोरिटी हम लोग माइक छोटा जानवर हो अच्छा हो सेहतमंद हो हाँ और ये दांतों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि बकरे का ये होता है कि दो दांत का बकरा सही रहता है हाँ। चार दांत कहते बहुत बड़ा बस आप तो आप निकल गए इस कैटेगरी से चार दो दांत वाले चले गए अच्छा जानवर चलेगा नहीं 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 कुर्बानी का जानवर कहते हैं खूबसूरत होना चाहिए खूबसूरत होना चाहिए ना कंपटीशन होता है और शुक्र है बकरी की भी नहीं होती बच गई मेरी बच्ची है छोटी मासूमा खूबसूरत हो तो नहीं चलेगा वैसे आपस की बात में बकरी की नहीं होती बकरी की नहीं
आ जाइए समरा, अगर आपको माइक लग गया तो आप ऐसे वहाँ खड़ी होगी ना, ऐसे पर्स लेके हमें बता के देंगे ये वाला ब्रांड मैंने पकड़ा हुआ है, चश्मा ये लिखा है। ऐसी कोई बात नहीं है समरा, ये तो बताइए आप लोगों का कब से कुर्बानी का जानवर आने वाला है? यार मेरे ख्याल से हमारे यहाँ 10-15 दिन पहले आ जाता है। तो अब तो आ जाना चाहिए। तो अभी नहीं आया क्योंकि अभी वो जरा सा वो वाला कॉन्गो वायरस वाला एग्जैक्टली तो हम लोग थोड़ा सा ख्याल कर रहे थे कि थोड़ा सा बच्चे बच्चे भी है चीजें थोड़ा सा अल्लाह के करम से नहीं है। देखो घूम रहा हूँ ना मैं कॉन्गो लेके, आप कॉन्गो लेके घूम रहे हैं फिर ठीक है, साथ लेके घूम रहे हैं, जहाँ कहीं वायरस अटैक कर दे उसके ऊपर अटैक कर। तो फर्स्ट डे कुर्बानी होती है, सेकंड डे फर्स्ट डे लेकिन अगर बड़ी फैमिली हो तो उसको डिवाइड कर लेना चाहिए फर्स्ट डे सेकंड डे, हमारे में ऐसे ही होता है ना। हमारी जॉइंट फैमिली है ना तो उसमें हर किसी के दो दो तीन तीन बकरे होते हैं, लेकिन जितने भी हो ना पहले दिन हो जाते हैं। हमारे पहले दिन शादी होते होते काट के ना आप लोग टांग देते हैं ताकि उसको खाए ना, और फिर वो गरम गरम कलेजी उसकी बुकिंग लेते हैं आप एड्रेस लिखे, इन्होंने बताया कि ये खुद बकरा काटते हैं, एड्रेस नंबर ले लेते हैं इनका, बली भाई का नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, बली भाई का नंबर चलाए प्लीज ताकि बकरे कटवाने के लिए आपको बकरे की स्पेशल ऑफर हम दे रहे हैं इनकी तरफ से, और आप सोचे एक स्टार आपके घर में आके आपके बकरे को ज़बह करेगा तो या आपकी गाय को ज़बह करेगा, क्या बात है भली भाई। बकरे को हंसा कर मैं काटता हूँ, हंसा हंसा उसको पता नहीं चलता है मैं कॉमेडी करता हूँ काट देता हूँ, कमाल यही बात होनी चाहिए। जितनी मेरी ऑडियंस है आज इधर उधर बिखर गई है, वो कह रही है हम एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये कितना प्यारा है ये देखिए, आइए दिखाइए कितना प्यारा है। नहीं ये दूर से देखने वाला जानवर है, दो दो रस्सियों से बंधा हुआ है, इसका मतलब है कुछ इस टेंशन है इसके। अरे नहीं बहुत अच्छा है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मुझे कुछ नहीं कहता, बहुत अच्छा है, आप इसके चेहरे पे मासूमियत देखें, वो भी नोट कर ली कितनी प्यारी है। अच्छा रोहा ने आज हमें एक नई न्यूज दी है, आप हमेशा कैमरा कवर करके खड़े होते हैं अली, आप कब खड़े होंगे अली है? रोहन ने बताया कि जो चांद रात की दुल्हन होती है मतलब यारी के बेचारी गाय होती है उसकी आंख से आंसू बह रहे होते हैं, आंसू बह रहे होते हैं। तो अभी भी क्या कहते हैं चांद रात को ना, क्योंकि चांद रात को रेड दुपट्टा या रेड कपड़े पहन के नहीं जाने चाहिए, क्यों गायों के आगे है ना ऐसा है, चांद रात वाले जान तो खुद इतना लाल लून पहना हुआ है, रेड दुपट्टा या रेड कलर पहन के नहीं जाते हैं, चांद रात वाले करना चाहिए है ना, इतना बिलीव नहीं करना चाहिए कुछ चीजों को, मेरा ख्याल भी रेड पहना हुआ है ना, वो खुद खुद रेड तो आपने भी पहना हुआ बिल्कुल सही है और खुश है वो देख रही है, हम उसके ऊपर बकायदा तबसरा कर रहे हैं। अच्छा मुझे तो ताज पहना हुआ है, मुंह नीचे कर लेती है, इतना खूबसूरत ताज, बच्चे को पता चलता है, कहते हैं बच्चों में और जानवरों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कौन उन्हें प्यार से हाथ लगा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अगर उसे प्यार से हाथ लगाते हैं तो उसे पता चलेगा, यही जब आप वैश्यारा तरीके से उसके साथ अलग ही करने वाली पत्थर मारते हैं जो बच्चे, ये वो जानवर था जिसको हमने पत्थर मारा था या फिर हम इनके घर की बेल बजा के भागे थे, ये वो जानवर है जो पीछे भाग गया आ गया, ये वो जानवर है जो गाड़ी से रस्सी तोड़वा के भागता है और हम सब भाग रहे थे आगे आगे और ये पीछे चलते हैं, है ना आए जी। और क्या आज हम आप वो ब्लैक एंड व्हाइट के पास तो जाना बनता ही है ना भाई, आज खाड़ी सिल्क वालों के ये वाले हम फ्रेंड्स दिखाते हैं, देखें क्या मजे मजे के फ्रेंड्स, ओए 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 जज्बात फुल टाइम जज्बात, ऑडियंस का है मेरी, मेरे बच्चों आप लोग तो इधर आओ, आज 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 इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हां जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये बताओ कि तुम लोग जब शॉपिंग करने आते हो कहां गए, आओ मेरे बच्चे इधर आओ, शर्माने वाली ऑडियंस आई आज मेरे पास है, आप ये देखें जब तक हम आए नहीं थे ये बैठा हुआ था, जब हम यहाँ पहुँचे अखलाकियात क्या ये आप प्रोफेशनल है, अच्छा आया कुर्बानी का जानवर घर में अभी तो नहीं है आने वाला
क्या आएगा, बकरा या गाय? गाय। अच्छा तो छोटे भाई बहन है तुमसे भी? जी। उनको शौक होता होगा गली में लेके घूमने फिरने का? भाई को। कितने लोग हैं जो गली में लेके घूमते हैं अपने घर, अपने घर के जानवर को? ओ वो यस बेबी, आप नहीं घूमती? जी जी सीरियसली, अब थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, पहले मैं भी घूमा करती थी। सीरियसली इतना मजा आता था जानवर, और पता है सबके सामने ना ये जा के दिखाना, ये वाला हमारा, ये वाला हमारा, हमारा है, ये इतनी क्यूटनेस होती है। आप भी जो जो गली में लेके घूमते, ताकि हम लोग एक सेल्फी होनी चाहिए जो गली में लेके घूमते हैं। हम इन बच्चों ने तो कहा गली में घूमते ही नहीं है, आज भी ये हमारा पंटर ग्रुप है जो हम गली में लेके घूमते हैं। आप भाई सब जल्दी से आ जाए, जल्दी से चलो, है ना भाई? अच्छा और ये बताओ, जब गली में लेके घूमते तो रोप क्या डालते? हमारी गायें, ये हमारी गायें, भले से वो बछड़ा हो फिर भी कहते हमारी गायें। अच्छा और तुम क्या कहते हो? बस खुशी होती है जब लेके आते हैं गाय वगैरह, होगी अल्लाह की। कौन लेके जाता है जब मंडी जाते हो? भाइयों के साथ जाते हो, अब्बा के साथ जाते हो? तो ये होता है कि नहीं जी हमने साथ जाना है, हमने साथ जाना है, करते हैं। छोटे भाई भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, सही, बहन भी बोलती है। ग्रेट जनाब, मुझे यकीन है कि आप लोग भी जाते होंगे मंडी, इसी तरह शॉपिंग करते होंगे, और इस जो फेस्टिवल है ये हमारा, इस ईद को इसी तरह खूबसूरती से मनाएंगे। जनाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी बातों को और अपने शो को इसी तरह जारी रखेंगे। ब्रेक लेते हैं। वापस आ चुके हैं हम, और इस वक्त हम मौजूद हैं सूफी कैटल में, और यहाँ के जानवरों को हम बहुत चेक करते फिर रहे जनाब। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं शक्लों से तो जानती हूँ, नामों से नहीं जानती हूँ। किरण वो इस कैटल के, क्या हो गया बने भाई, आप पुराने इस दौर के, आप कैमरे के बिल्कुल सामने खड़े हैं। देखे आर्टिस्ट सब बर्दाश्त करेंगे कि अपनी लाइट और कैमरा नहीं बर्दाश्त करेगा, बड़ा टची होता आर्टिस्ट, लाइट ना कोई काटे और मेरा कैमरा ना कोई खाए। कैटवॉक हो रही है, आइए जनाब हम भी जरा कैटवॉक करते हुए चलते हैं। यस कौन करेगा? आइए गाइस एक सेकंड, आप लोगों ने वहां रुकना है, रुकना है, रुकना है, आओ ना जरा मेरी शहजादियों कैटवॉक करो, चलो आओ, हम भी करेंगे, देखते कौन सी अच्छी बच्चियां कैटवॉक। भाई बस हमसे थोड़ा फासला रख के कैटवॉक कराइएगा, पता चला हम पे ही वॉक हो जाए। हाँ मुझे तो वाकई बहुत दूर रखिएगा, यहाँ से अलग 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 अलग, आप सारे भी वॉक करेंगे के बगैर तो कैटवॉक का मजा ही आता। ओके रेडी गो, सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ना भाई, कैटवॉक की तरह चलता है। सॉरी तो हमें जनाब अब जैसे कि हमारी बहुत बेहतर है, ये बहुत बेहतर है, आई एम डैम श्योर पीछे वालों की। ओह 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 माय गॉड, बहुत अच्छा करो जो पीछे कैटवॉक हो रही है। आप आप हमारी तरफ ही आ रहे हैं, हमारी तरफ ही आ रहे हैं। 001 और 00 क्या नंबर है इसका? इसका नंबर 007 ये दो भी हमारे साथ 000 है। एक दफा फिर हम आ जाएंगे, आप लोग लेके गए बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप लोग। ठंडा किया हुआ है अली रजा, तुम आज जानवर को गाना हो जाए कुछ? जानवर में मुझे यही गाना मुझे आपने याद दिलाया था, और हमने लास्ट टाइम उसमें घोड़े का शिकार है, गाय का जिक्र नहीं ना, गाय का गधे का गाना है, आप घोड़े
गाने की जगह गाय कर दे। ये गा सकते थे, लेकिन अभी मैंने कुछ एक गाना मैंने शाहिद भाई और वली भाई के लिए, लास्ट टाइम शकील भाई हमारे साथ थे तो बड़ा अच्छा एक माहौल बना था। मैं चाहता हूँ कि आज वली भाई हैं साथ, तो आज वली भाई दोबारा बन जाए, इनके लिए गाना गाते हैं बड़ा अच्छा। कौन सा गा रहे हैं बता, गा रहे हैं अभी बताया ना, वंडा वंडा क्या शक्कर वंडा, शक्कर वंडा, अंडा संडा वंडा तो हमें पता नहीं था कि कौन सा चाह रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि शक्कर वंडा वे बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है। शायद भाई तो मसाने लगते ही है। शक्कर भंडारे मोरबिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरबिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरबिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारे मोरबिया मोसे मिलन ठंडाड़ी और लूनू ठंडाड़ी और लूनू ठंडाड़ी मोरबिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारी मोरबिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारी मोरबिया मोसे मिलन आयो। ठंडारी और लूनू ठंडारी और लूनू ठंडाणी मोरबिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारी मोरबिया मोसे मिलन आयो, शक्कर भंडारी मोरबिया मोसे मिलन आयो। और शाहिद भाई का डांस देख के मुझे गाना याद आ रहा है, एक बड़ा जबरदस्त था। ओ तेरा सहमण रहे आपा, ओ तेरा सहमण रहे आपा, मस्त थोड़ा लाल कलंदर, क्या बात है कुलदीप, तेरा प्रेमण रहे आपा, मस्त थोड़ा लाल कलंदर, मस्त थोड़ा लाल कलंदर, मस्त थोड़ा लाल कलंदर, मस्त थोड़ा लाल कलंदर, मस्त थोड़ा लाल कलंदर। उनकी रिस्पेक्ट के लिए तो दुनिया खड़े हो जाएगी, बेशक डांस किया मेरे बेबीज के लिए भी तो तालियां बजा दो, इधर तो आइए खुदा सा वास्ता है तुमको, अल्लाह के बंदों को क्या है तुम, हमारी बच्चियों को अभी तुम क्या करना थे, क्या हो गया, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अरे इतना अभी नहीं डरो, दो मिनट के लिए सांस ले रहा हूँ, मैं जाने किसी ने रस्सी छोड़ दी, मैं भी यही समझी कि रस्सी छोड़ो आगे मांगे आ रही है, ये सोच ही नहीं सकता, चार छोड़ो छोड़ो भागो यहाँ से, मैं कभी अपनी बीवी को देख के नहीं डरा, इतना भी डरा दिया इन्होंने, आप अपने आप अपनी बीवी से पूछे वो रोज कितना डरती है आपको देख के, तभी तो मुझे डराती है। ओ भाई आप नंबर वन है और आप सुपर नंबर वन है, अब मत डराइएगा हमें, खुदा के वास्ते वो मेरे बच्चों ने बहुत प्यारी डांसिंग की थी, बहुत क्लैपिंग होनी चाहिए, सो मच जबरदस्त। नाम क्या है, माइक दे, माइक 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 जल्दी, ये लीजिए ये लीजिए, और इन्हें प्लीज पीछे कर ले थोड़ा, मेरी जान नाम आप सही है, और आपका रियान, ये शाम, ये रियान है, ठीक है,
और दोनों में से डांस किसको सबसे अच्छा आता है? यहाँ शॉपिंग करने आए हो? क्यों, फिर क्या करने आयो? शॉप कह रहे नहीं तो मतलब मुझे छेड़ है तो मंडी आए तो शॉपिंग ही करने आए होंगे। आंटी कैसा सवाल आपने किया, कैसा सवाल किया है ना, कैसा सवाल किया? करने आए तो मैं तो यहाँ सुल्तान से मिलने आई हूँ जनाब, जिसके लिए खास सजाए है। अब ये बार बार मेरा नाम मत लो भाई तुम। हेलो, मैं जिसकी बात कर रही हूँ आप सोच भी नहीं सकते वो सुल्तान कैसा है। जब आप उसे देखेंगे तो आप खो से कहीं जाएंगे। क्या बात है, कहाँ है वो, कौन है वो? बस वो कहाँ है, वो जहाँ है, वो जैसा भी है वो है मेरा। और उससे मैं मिलवाऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद। सो इसलिए अभी इस बेचैनी को, इस तड़प को आपने बरकरार रखना, अपने पास ही रखे, और आप लोगों ने भी बरकरार रखना है क्योंकि सुल्तान है वो जरा कुछ हटके। तूने तो कहीं नाम नहीं रख लिया अपना। भाई आपको मैं इतनी अंधी क्यों देखती हूँ? तो बहन मेरी तुम बोल रही हो सबसे हटकर है तो वो ये हम सब हटकर। आप जब उसे देखेंगे ना आप खुद कहेंगे वाह क्या पसंद है मेरी बहन की, छा गई है। ये तो बात है, मेरी बहन की पसंद तो है, मैंने जो देखा भी है, मेरी बहन ने शादी भी बहुत अच्छी की और इनका कपल भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। मेरे मियां को आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अभी बदला लेती हूँ माशाल्लाह, देखो ये तुम्हारी तारीफ भी की है। खैर एनीवे हम आपको मिलवाएंगे सुल्तान से, लेकिन सुल्तान से मिलने के लिए अभी थोड़ी सी तड़प को बढ़ाई है। जब तक तड़प बढ़ेगी नहीं, जब तक आप लोग कॉल्स आएंगे नहीं, आप लोग मुझे शोर मचा मचा के कहेंगे नहीं कि सुल्तान 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 मैंने है ना। तो जनाब अभी नहीं, हम सुल्तान साहब मैं नहीं मिला रही, मेरा सुल्तान है। हेलो क्या हो गया पराया यार, मैं मिलवा देता हूं, सॉरी भाई ये सी गलत बात है, मैं मिलवाता हूं सुल्तान। आपने जिक्र क्यों छेड़ा, क्या होता है आपका सुल्तान? सुल्तान 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 आ सुल्तान, बता दो इनको तुम सुल्तान हो। वैसे सुल्तान के बड़े भाई सुल्तान, ये वो सुल्तान है जिनके बगैर हमारा सेट जो है ना बड़ा अधूरा होता है। तो गलत तो नहीं गाना मैं, रैपिंग होनी चाहिए, काम का सुल्तान है, काम का सुल्तान है ना। देखिए ये वो सुल्तान है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो मैं अभी मैं फिर भी नहीं बताऊंगी। अच्छा ये वो सुल्तान है, बताओ सुल्तान भाई, आप यही करते आप गैसे लगा रहे हैं, नहीं नहीं यही आप जाएगा जाएगा ये का सुल्तान है, मजाक खेला होगा ये यार। यहाँ सुल्तान बाजी बोली अच्छा होगा, नहीं वो तो है अच्छा। देखा चलो उन्होंने बाजी बोल दिया तो फिर सुल्तान कोई और है। नहीं बाजी बाजी इधर बोला है कि बाजी बोल रही है सुल्तान अच्छा है, ये कहा हमारी तरफ इशारा कर ये सही जनाब। अच्छा जी तो अब कहाँ, अच्छा सुल्तान की सुल्ताना नहीं होगी, सुल्ताना वो ढूंढने कोई भी सुल्ताना हो सुल्तान के साथ लूंगी इस बात पे ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी और हो सकते फिर मिलवाऊ मैं आपको सुल्तान। ब्रेक एंट्री देगा तो यहाँ सभी आप लोगों को लगता है सुल्तान के जानवर है, खुदा के वास्ते है वो सुल्तान है। हेलो वो जरा लेट एंट्री मारता है, जरा आप समझा करे, वो खुर्रम मुशीर है डॉक्टर, खुर्रम मुशीर हमारे लेट नसीब डॉक्टर है, उसके नौ नहीं बचते। नहीं मैं आपको सुल्तान से मिलवाऊंगी जनाब, लेकिन इन सारी बातों से हट के आज हम है सूफी कैटल पे जनाब। सूफी कैटल वालों ने आज हमें ये अपना VIP टेंट दिया है जिसपे हम आके जो जानवर यहाँ बंधे हुए हैं उनसे आप लोगों को मिलवाएं,
क्योंकि हम तो मिल ही रहे इन बेचारों से, और आप लोग घर बैठे पसंद कर लेंगे भाई सूफी कैटल जाना है, पिछले दफा माफी कैटल गए थे वहाँ वाले जानवर, आप लोग खुद ही तजिया करते रहे जनाब, हमें तो बीच में से डालेंगे ना, है ना, खुद ही तजिया करें किसका जानवर लेना है, कौन सा पसंद है। अब मैं जिस शाहकार से आपको मिलवाऊंगी उस शाहकार के बाद आप भूल जाएंगे सबको, आप भूल जाएंगे, मैं कहती हूँ मैं गिर गिर जाऊँ, मुझे कुछ पकड़ के रखे, कुछ संभाल के रखे, ऐसा हो नहीं सकता, होगा क्योंकि वो है मेरा सुल्तान, मेरा सुल्तान, जैसे ही वो आएगा उसके बाद हर कोई कहेगा ये है मेरा सुल्तान, इसलिए मैंने इसलिए पहले कह दिया कि वो है मेरा सुल्तान, तो सुल्तान ऐसे तो आ नहीं सकता जब तक ये ना हो सुल्तान, सुल्तान 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 में तेरे मिट्टी नाम लग रहा है सुल्तान नहीं, मैं अगर मैं सुल्तान की बात होती थी तो मैं गा के बुला लूं अगर उन्हें, अरे क्या बात है, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान रे सुल्तान, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, ये तो वाकई सुल्तान है भाई, ये वो सुल्तान जिसके लिए मैंने कहा था जरा धड़कनों को बढ़ा के रखिए सुल्तान, सुल्तान भाई, सुल्तान भाई, सुल्तान आप तो ना करें, आप उसे घुटने के बराबर भी नहीं आते भाई, इंडिया से कब आए है, इंडिया से कब आए, सेल्फी सुल्तान के साथ, सेल्फी सुल्तान, सेल्फी ऑफ सुल्तान, सेल्फी, ये एक और है हमारे सुल्तान जनाब, सूफी कैटल का सुल्तान है जनाब, और आप लोग अब मैं जरा इसकी कीमत पूछती हूँ, है ना, ये भी तो दिल को थोड़ा सा सुकून मिलना चाहिए, भाई साहब इसकी कीमत क्या है, कितने बारह बारह लाख पूरे कभी देखे हैं, बारह लाख में जीरो देखे होते हैं, पूरे बारह लाख गौर से देखे, अंग अंग देखे भाई, इसके सींग क्यों है, नहीं है काट दिए क्यों, रंदा मारा नहीं नहीं ऐसे ना करे, ऐसे नहीं करते, ये देखे ना बकायदा कट कट काटते हैं, सर को ताज लगाया हुआ है, सुल्तान है भाई, आप लोग हल्का ले रहे हैं, अली रजा प्लीज पूरा, हाँ सुल्तान है भाई, सुल्तान सुल्तान, ये जो नारे सजावट चेक करें, मैं चाहूंगी कि जरा मेरे कैमरा मैन ये जरूर दिखाएं कि सुल्तान की सजावट आप देखें, क्या छनछन छमछम करता हुआ मेरा सुल्तान ने एंट्री मारी है, और ये होता है फुल शहजादा इसे कहते हैं, खुदा की कसम मेरे में हिम्मत होती है, तुम क्या और पहले बजा के भाग रही हो, मंदिर में हां बिल्कुल, लेकिन क्या कमाल है, बैल बजा के भागी है, हां पिला बजा इन्होंने कहा, अब इसके गले में कौन घंटी बचपन में बजा के भागती थी ना, तो मैंने कहा अभी ये अभी बेटा अभी भी आपका बचपन ही चल रहा है, घंटी ना बजाए, तो प्लीज ये है हमारे सुल्तान, हमारे आज के वीआईपी गेस्ट, और इनका हमें इंतजार था, हाँ जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, तो सुल्तान के लिए आपको आना पड़ेगा, आप भी उसे करीब से देखा जाते तो आपको आना पड़ेगा भाई सूफी कैटल में, सूफी कैटल में सुल्तान मौजूद है, और आप आके उसे मिलिए, कैसे भाई साहब आप, देखिए भाई कहूंगी अब मैं और क्या कह सकती हूँ, सारे चेहरे में आप ही के साथ घर जाऊंगा, मेरा बस चेहरा तो मैं साथ ही लेके जाऊँ, पर मैं इतना गोश्त संभालूंगी कहाँ, मेरी जान ऐसे आपके हिसाब से इसके अंदर कितना गोश्त होगा, ज्यादा लोगों को दिखाएगा इसको, पहले कितना निकलेगा, मैंने सुल्तान लिया है, पच्चीस मन पच्चीस मन पच्चीस मन गोश निकलेगा तो चर्बी भी तो निकलेगी साथ के साथ, है ना, चर्बी को मिला के पच्चीस मन, नहीं नहीं चर्बी को हटा के पच्चीस मन, अच्छा वो खरीदती रही ना, आज अच्छा इसके कोई दांत खोल के चेक करा दे, मैं मान जाओ उसको, बली भाई ये सुल्तान भाई, जब अली भाई ज़िबा कर सकते हैं तो चेक कराने चेक कराने में कोई मसला नहीं है, वैसे लेकर जाएगा वो सबको दिखाएगा जरूर कि मैंने ये जानवर, हाथ धो ले अली भाई, जाके हाथ धो लीजिए आप, वजह से
जाइए। अच्छा जी ये बताएं कि इसको नहलाते धुलाते हैं, शैम्पू वैम्पू भी करते हैं, शैम्पू से नहलाते हैं, कौन सा ब्रांड नहीं बताना, पैसे नहीं दे ब्रांड नहीं बताना। अच्छा जी शैम्पू से नहाता है हमारा सुल्तान, क्या आता क्या ये पूछते, खाता क्या भाई मिनरल वाटर से तो नहीं करता, और पुत्र और छिलका छिलका कुत्तर बादाम नहीं खाता, वरना हमें तो सीरियसली डरा देते थे, दूध बादाम पिस्ते खिलाते रहते हैं, पता नहीं मैं हैरान होती थी इंसानों को ही नहीं मिल रहा, जानवर कितना खुश नसीब है। नहीं जी सुल्तान का अब रेस्ट करने का टाइम है, अब रेस्ट कराए सुल्तान, आप आराम करें, आप भी आराम करें सुल्तान साहब, हो जाए जैसे जिस शाह से सुल्तान है तो शाह से सुल्तान को भेजे भी तो सही ना। हाँ जी आवाज खोले अली रजा की माइक की, घुमा लो यार घुमा लो आराम, हाँ जी घुमा लो शुरू तो करें, खून वन टू माइक ऑन करे, फोर खुलेगा माइक, खुल गया खुल गया, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान रे सुल्तान रे सुल्तान रे सुल्तान। जनाब सुल्तान साहब ने आपको मिलवा दिया, बाकी ये कि मुझे हो रही शदीद खांसी और तबीयत भी मेरी खराब है, तो मेरे लिए भी दुआ करें। सबरा ये तो बताएं आप जब जाती हैं शॉपिंग के लिए तो आप क्या चीजें नोटिस करती हैं, कभी गई हैं बकरा मंडी? बकरा मंडी कभी भी नहीं गई है, सारा सबको डाला हुआ है, नहीं ये बकरा मंडी नहीं है ये गाय मंडी, मवेशी मंडी, ठीक है जी अब ठीक है। तो और ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी आपको पता है इस वक्त? वाकई आई एम इंप्रेस्ड। हाँ अमसा जो है वो तो क्योंकि आती रहती है, खुद शॉपिंग के लिए आती है, खुद जाती ग्रुप ग्रुप शॉपिंग होती है इनके, पूरे फैमिली कजन सब आते हैं और ये बार्गेनिंग फुल टाइम करती है, तो 12 लाख अगर सुल्तान तो आप करो ना बार्गेनिंग, मैं फिर सोचती हूं बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन वैसे भी अगर बार्गेनिंग करो तो कितने तक इसको तोड़ के ले आओगे? छह तक क्योंकि ज्यादा बताते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ लोग लेने आए हैं तो इस वजह से लोग ज्यादा बताते हैं। यार 6 लाख में दिला दो, 6.5 में मैं खरीद लूंगा, चलो चलो बदल दिया उसे देख। अच्छा एक ऐसी कमाल बात है कि यहाँ जितनी खवातीन आ रही है सब बोली जानवर कितना प्यारा, अगर कोई आदमी उनसे जरा सी बदतमीजी करे जानवर हो गए हो तुम, ये क्या बात है? इंसान के अंदर का बड़ा जानवर होता है, ये जानवर अलग होता है, इंसान के मासूम है तो उसको क्यों बोलते फिर जानवर, अगर जानवर मासूम है ये तो ये मासूम है, इंसान के अंदर वो एक जानवर होता है जैसे फरिश्तों में जानवर जब मिल जाता है तो निकाल दिया ना उसे, बस इसी तरह एक जानवर है जो अंदर छुपा रहता है इंसान। तुम्हारे से कह रही है तो सवाल किसने पूछा था? नाम ऐसे रख के फिरा और आगे से दाढ़ी, ये देखे तुम्हें कह रही है मुझे नहीं कह रही है, ये कोशिश हो रही है, बढ़ जाएगी तो फिर मैं उसी तरह बढ़ जाएगी तो तुम शक्कर इसी तरह हमारे दोस्त है बहुत अच्छे और उन्होंने गाने गाए शक्कर बंडा में तो वो और उनकी भी ऐसी ही है ना, दिल करते छोटी बात थोड़ी ज्यादा है ना, इसको ऐसे ब्लो ड्राई वगैरह भी करते हैं इसको, वो शैम्पू शैम्पू कंडीशनर, हाँ थोड़ा ख्याल तो रखता हूँ, सारे राज अली रजा के और कौन कौन से राज आप लोगों को खुलवाने मुझे प्लीज आप लोग बताएं ताकि आपको मैं इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी, डोंट यू वरी। अरोहा आपने कौन से ईद का प्ले किया अभी? मैंने टेलीफिल्म की आने वाली के शायद सेकंड डे ऑन एयर, ग्रेट है, कल हमने उसका सीन किया और बकरा लेकर आए, बकरे के ऊपर बकरे ने दंग कितना किया, रिकॉर्डिंग भी हमारी बड़ा होता था, अच्छा किया उसने कि इतनी टेक्स हुई हैं वो भाई कोई टेक में हो ही नहीं सका वो, अच्छा बहरहाल फिर खैर फाइनली फिर वो हो गई कंप्लीट हो गई, क्यों वो बकरा क्या कह रहा था कि मुझसे बेहतर आर्टिस्ट कोई नहीं है, बहुत अच्छे लिखे हुए थे हमारे साथ लास्ट में हुआ था, हम लोग इतना प्ले कर रहे थे तो बकरा हमने मंगवाया, हाँ उसको खड़ा किया तो जैसे वैसे खामोश था, जब उसको पता क्यों रहे डायलॉग से तो ऑडियो में मसला, इतनी दफा उसने तंग किया हमें इतनी दफा कि उसको पता था कि अब डायलॉग्स हो रहे, तुम लोग बकरे का माइक ऑफ कर देते ना,
ईद पर मैं बहुत अच्छा ड्रामा कर रहा हूँ जिसका नाम है कंजे को गाय पसंद है। उसमें गाय हीरो ही आप ये बात सही है। ये बताए जल्दी से बताए। उसमें गाय हीरोइन है और गंजा हीरो है। फिर तो हिट होना है। हिट पहले से बता दिया। पसंद है इनकी टेलीफिल्म मारी ईद पे वो आप जरूर देखेगा जनाब। इन्होंने एक बकरे के साथ कल सीन किए वो भी एक चैनल पर आएगा ड्रामा वो देखेगा। इनकी अपनी प्रोडक्शन चल रही है और उस पर भी बकरे के हवाले से काम हो रहा है। अच्छा आज में भी प्रोडक्शन में इन्होंने जाना है। इस चक्कर में इन्होंने एक्सरसाइज छोड़ दी। उन्होंने प्रोडक्शन पैसा कमा लो खुद को ना कम करो नहीं करें हम सा खुद को ख्याल रखेंगे तो ज्यादा बेहतर प्रोडक्शन लेकर आएंगे। खाना पीना चलता रहता है कंटिन्यू बैठी रहती हूं तो इस वजह से और फिर जिप लगाना बहुत मुश्किल होता है। जब मुझे टेंशन होती है मुझसे पूछे सही तो मैं बैठी भी आइसक्रीम खा रही होती हूं चॉकलेट खा रही होती हूं टेंशन की क्रेविंग होती है बहुत। ओह माय गॉड नो 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 नहीं बस क्या हो गया सुल्तान सुल्तान देखिए सुल्तान है वो बुरा भी मान के कहीं भी नहीं पसंद आपको थोड़ा दूरी हट के खड़े हो। अब तू तो एक निवाले का नहीं आपके घर में गोश्त वगैरह कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है गाय का खुद जाके खुद ये तो एक बनाना है और इसके ये हिस्सा हमारी बहनों ही बना के देते हैं फिर जाना फिर हमें माशाल्लाह भरा ससुराल है और फिर फैमिली है फिर ये कलेजी मेरा बनती है ना गरम जब तक माएँ जिंदा होती है ना ये कैसी तकलीफ आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रखा कि जब तक माएँ जिंदा होती है तो आपको सुबह सुबह वो कलेजी भी मिल जाती है नाश्ते के साथ है ना। अब मेरा बकरा ईद का कौन सा बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हमारे यहाँ बकरा कटता है तो हमारे यहाँ उन घरों में गोश्त नहीं जाता जिनका ऑलरेडी कुर्बानी होती है ठीक है। हम उन घरों में गोश्त भिजवाते हैं जहाँ जो है वो कुर्बानी नहीं होना भी ये चाहिए चेंज कर दिया है कि एक दूसरे के घर जाकर राने और बहुत सारे लोग उसको फ्रीज करके रखते हैं। हमारे यहाँ तो साथ ही हमारे अच्छा सीन है कि हमारे यहाँ जो है वो चिकन ही खाई जाती है मोस्टली तो जो भी कुर्बानी होती है आपसे वैसे हो रहे खुदा के वास्ते हार्मोन्स वाले चिकन खा के ना अपने आप नहीं मैं तो वेजिटेबल्स पे आ गई वेजिटेबल्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अच्छा जी जनाब अब हमने देखना ये कि जितनी हमारी गर्ल्स यू नो लाइक गर्ल्स ये जितनी गर्ल्स है ये कैसे अपनी अपनी गाय को सजाती हैं और कैसे उनको उनके जेवर पहनाती हैं। नो वे नो वे क्या मतलब है यस वे यार यार ये देखिए ये तो आप खबतीन को लेट डाउन कर रही हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं करो करो तुम लोग करो समझा नो मैं इनकरेज करूंगी वो उनका तो कैटल है अच्छा है वो तो अपने कैटल में खड़े हैं उन्होंने उनसे तो हमें पूछना चाहिए सर जी हमें कोई गाय यहाँ से तोहफा तो नहीं दे रहे बेटा कितने प्यारे लग रहे हो ना। अच्छा जी सुल्तान गिफ्ट करा ले कर आए जरा गाय का जेवर कहाँ होता है भाई आप क्या गाय का जेवर कहाँ है रखा हुआ ले बाबा शरीफ 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 बच्चियों के पास हम लेके जाते हैं अपनी शरीफ शरीफ बच्चियों को और उनसे सजवाते हैं उनके खूबसूरत हाथों से उनको आज सजाते हैं ताकि पता चले कि आज कौन क्विकली सजाएगा। नहीं 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 डरा नहीं 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 डरना नहीं तीन मुझे मासूम गाय चाहिए तीन मासूम गाय कहाँ है कहाँ है एक उधर वो सब मासूम है इधर वाले कुछ है उधर वाले कुछ है उधर मासूम है आइए उधर मासूमियत की तरफ चलते हैं। लेकिन वो जेवर इधर कौन कौन है उधर तो मासूम वो आगे जेवर इधर सुल्तान अपना सुल्तान जनाब आज जी सुल्तान को थोड़ा सा हम दूर करते हैं ले जाओ सुल्तान भाई को हाँ सुल्तान भाई माइना कर जाए आज जी अब देखते हैं कौन क्विकली सजाएगा गाय को। वाह 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 मेरा शहजादा खत्म क्या लगा है कैमरे को ना मार वाह भाई आप ही बोले भागते हुए 12 लाख कैसे लग रहे हैं आज आज जी आज ले आए मेरे भाई ले आए मेरे भाई वो मासूम सबसे मासूम मासूम है ये वही वाली है जिसके पास हम गए थे आ जाए मेरे भाई आ जाए आ जाए वो इतनी मासूम है कि वो हमसे डर रही है बच्चा ये ले आए भाई जाओ जाओ गर्ल्स दूसरी गाय का है आए ना अरोहा की हेल्प भी तो करनी अब कौन जा रहा है
मैं मासूम नहीं है। फिर इसका धड़क धड़क कर मासूम नहीं है। इसका दिल हलक नहीं कर रही भाई। और मैं ये सोच रही थी सीगर बन जाता मेरा। लो जी उसने सजाना भी शुरू कर दिया। सजा दे लाए हम सजाए मैं भी सजाऊंगी सजाएंगे हाँ देख ले कैसे आवाज तो बहुत है सुल्तान के पूरे कलर है डरिए जरा इनसे ये ओए होए मरी मैं ऐसे मासूम के साथ सज जाए रे अरे एक और आ गई भाई खत्म हो गया खेल बताए कैसे कैसे ये चैलेंज खत्म हो गया अब ये चैलेंज जो है अरोहा ने तो कर दिया अब अमसा की बारी है अमसा हाँ जी खतरनाक बछड़ा सजा दिया उसने सब ये मासूम बछड़ा आइए इसको साइड से डालते है ना भाई साइड से डालते है ना तो तूने पिछले पे भी यही बोला था मेरे भाई इस बार अरे नीचे से हाथ लगा दो सबने सजा लिया ये ले जी मैंने तो सजा लिया अपनी गाय चलो भाई ये देखे मैंने इस जो गेम है इसको मैंने विन किया हद हो गया हमसा और कुछ इसके ऊपर हमने ताज तूज लगाना है वो भी लगा देते हैं हम तो गाय नहीं कह रही बकरे ले आए सुने ये कह रही बकरे ले आए बकरे सजा देंगे इनके लिए मुर्गियां मंगा ले मुर्गियां मंगा ले इनके लिए मुर्गियां भी बकरे कह रही मुर्गियां मंगा ले मुर्गी सजा देंगे ये लोग हाय हाय ना करो छोड़ा नहीं ऐसे फूल लगी रहता है लेला ए तुम इन कर रहे हो ना करो क्या कर रही हो अबे क्या लड़की देख रही देख रही देख रही वो पहचान जाती है भाई साथ चली जाओ नहीं नहीं वो बताओ अरोहा जिसको हाथ लगा रही वो उसको पहचान जा रहा है ये तो अपनी है वो भागा चला आ रहा है नहीं अरोहा मेरी जान अरोहा हम नहीं पहचान हम नहीं है लेते ब्रेक के बाद फौरन वापस आ दे आप लोग कहीं नहीं जाइएगा यही रहते हैं अल्लाह खैर करे जवाली
क्या बात बंदी आपकी तो एलफी बंदी इसके साथ चिपका दो यही है और भाई आपको पता नहीं है मिसेस सुल्तान है ये सुल्तान हो ही नहीं सकती मिसेस सुल्तान सुल्तान है नहीं ये सुल्तान का बेबी तो जरूर हो सकता है नहीं कर सकते ये भाभी है हमारी भाई होगी किधर बड़े होके किसी ना किसी की तो भाभी बनना ही नहीं नहीं बड़ी यही है इसी तरह छोटी रह गई मेरा अमन ने जो सुल्तान दिखाया था ना इसका भी कोई नाम रखा हुआ है आप लोगों ने है हेलो बाजी कैसी हैं आप यार ये सींग सींग चेक तो करो मार देगी सींग है डर नहीं लगता तुम्हें प्यार करो प्यार तो हाँ नहीं लगता भाई अरे हाँ तुम्हें तो अपनी अपनी जैसी लग रही होगी है ना अब खुश हुई है अब खुश हुई कोई तो मेरे लेवल का भी आया बात करने के लिए अब तक जितने लोग थे उतनी देर हम यूं करके सुल्तान को तो मैं यूं देख रही थी सुल्तान को तो खैर अली रज़ा भी यूं ही देख रहा है हम सब में इस वक्त बड़ा है वो यूं देख रहा था वो तो वाकई फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गया पड़ता है जकूटा जिन है सिंह बता रहे हैं उसकी पप्पो है इसकी दांत भी तो दिखाएं इसकी दांत भी नहीं नहीं ये नहीं यार बस कर दो सबके दांत देख देख के लग रहा है हमको डेंटिस्ट की वो खोलने वाले क्लिनिक और उसमें सबको कहेंगे आइए क्लीनिंग करते हैं आपकी मुझे माइक दे जरा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ये जानना कि मंडी के रखवाले होते हैं जिन्होंने ये इतना सेटअप सजाया हुआ था उनसे भी बात करें कि वो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं उनसे भी जानते हैं कि उनके लिए किस तरह का लोगों का जो रिएक्शन आता है और ख़ास में भी पिछले दिनों बारिशें हुई हैं उसके बाद यहाँ क्या रिएक्शन था यहाँ कितना पानी ने तंग किया और फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनको कितनी सपोर्ट हुई तो आइए उनसे भी बात करते हैं आइए ना आप लोग आगे आइए मेरे अरे सलामकुम जी एक दफ़ा फिर आपको हम तंग कर दें आगे अच्छा ये बताएं अभी पिछले दिनों बारिश हुई बड़ा कोई हम उस दिन बल्कि कह के भी गए थे कि जहमत ना बने अब्रे रहमत बने तो कितना कोई बारिश की वजह से नुकसान हुआ थोड़ी सी जहमत तो बनी है लेकिन उसमें हम लोगों ने मेहनत करके उसको कवर कर लिया हम लोगों ने बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा मंडी अब अपनी असल शक्ल में बहाल हो गई है उसकी रौनकें उसकी बहाल हो चुकी है और वो रातों की पार्टियां वैसे ही चल रही हैं डांस पार्टियां ये आपको पता है इन्होंने मुझे बताया था कि रात में बकायदे डांस पार्टी थी जानवर सारे डांस कर रहे थे जी एक्चुअली वो हम लोग एक था हमारी ओपनिंग थी उसमें वो हम लोग प्रोग्राम उसको सेलिब्रेट किया था अच्छा तो उसके बाद ये था समय देखिए प्रॉपर ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आप अपने जानवर नचा दिया हमारा छोड़ दिया है उसको आपने नचा दिया नहीं लेकिन आपको बहुत अच्छा सेटअप है हम क्योंकि आफरीदी उसमें भी गए थे और अब आज हम यहाँ सूफी कैटल में भी गए तो बड़ी सफाई सुथराई जनाब इसलिए नहीं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि जो चीज़ आप आँख से देखते हैं आप उसी के बारे में ज़्यादा सही तरीके से बता सकते हैं तो अच्छा यहाँ किस तरह का जो रश आ रहा है इसमें जो लोगों की डिमांड है आपको क्या लग रहा है कि प्राइसेस बहुत हाई हुई हुई है ये लोगों के नहीं बारिश से प्राइसेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा अच्छा लोग आ रहे हैं वैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं या खरीद भी रहे हैं नहीं शॉपिंग जो अभी तक शॉपिंग हो रही अभी तक तो लेकिन आज चुके फ्राइडे है सैटरडे संडे से इंशाल्लाह प्रॉपर शॉपिंग शुरू हो जाएगी तो फ्री खरीदारों को रश बाहर निकल रौनक लग जाती है बारिश ने इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था चूँकि चाची आपको सारा पैक है लोगों में फ्लैटों में बिल्कुल तो अभी इंशाल्लाह लोग सारे बाहर निकलेंगे तो अभी जाके वो लोग खरीदना शुरू करेंगे सर एक रिक्वेस्ट है मेरी हम सबको 50-50 में कोई अच्छी वाली गायें दे जरूरी है जनाब ये हमारे प्रोग्राम का प्रोड्यूसर लगे अली इमरान कितनी आपकी और इनकी मुशाबत है जब हम उनसे कोई काम की बात करते हैं ना अपने मतलब की तो वो भी कहते हैं आवाज नहीं आ रही काम तो भी आवाज नहीं आ रही बट थैंक यू सो मच जी बहुत शुक्रिया इसी तरह आप हमारे जो आने वाले लोग हैं उनको अच्छे से एनवायरनमेंट देते रहे लोगों को एंजॉय करते रहे लोग हैं आप तो यही चाहते हैं अच्छा माहौल दे रहे हैं हम लोग और बहुत अच्छी पहले से ज़्यादा लोगों में जोश खरोश और ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है इसमें बिल्कुल और मेरा तो यकीन माने ये पहला तजुर्बा है तो मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहले जो मैंने शो किया मैं पहली दफ़ा किसी भी मंडी में आई थी उससे पहले तो घर वाले ये काम कर आ जाते थे लेकिन जब आप कहते हैं ना आप जिस काम में पढ़ते हैं तो फिर लक पता जाता है क्या करना पड़ता है आपको बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू आप बनी बच्ची तो पक्की समझी आवाज नहीं ये 5,000 में भी बुरा है भाई सुल्तान कब आएगा सुल्तान तो 12 लाख का चलेगा 12 लाख और मैं उसके प्राइसेस बढ़ाऊंगी भाई सुल्तान है वो 12 लाख का तो होना चाहिए 12 लाख दो 12 लाख
वो खुश हो जाएंगे, लेने वाले पूछेंगे तुमसे ज्यादा। सुल्तान है मतलब, हेलो 20 का कहेंगे तो 12 में जाएगा ना। ये आप जितना सुल्तान सुल्तान कर रही हो ना, मैं सुल्तान पिक्चर बना रहा हूँ, देखना वो सुल्तान कैसा होगा। सिकंदर भाई बनाते थे ना, उनको डेलीगेट करूंगा ये पिक्चर और देखिएगा आप। किसको याद करा दिया, बोला उनको जहाँ कहीं भी हो ये किरण बहुत अच्छी जगह है ना। और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद में ये पिक्चर बना रहा हूँ और आप देखिएगा सुल्तान पिक्चर कुछ स्पेशल लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए। ईद के दिन और ईद के जो तीनों दिन है आपको बहुत इंजॉय करवाएंगे हम, क्योंकि हमारा आपका ताल्लुक तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर का है ना, सास और बहू का नाता नहीं टूटता, वैसे ही मेरा और आपका नाता नहीं टूटेगा। वो चाहे ईद हो चाहे बकरा ईद हो, वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, समरा ने कैसे दिल से बोला, क्या मिसाल अच्छी अच्छे से ऐसे मिसाल है ना। वैसे ये बात है कि समा हर बार अच्छे से अच्छे शो देता है, नया से नया लाता है और आप इस बार तो माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारी फिर कोशिश है कि ईद पे हम कुछ नया लेकर आए, कुछ नए शोज, नया कॉन्सेप्ट आप और नए लोगों से आपको मिलवाएं जो यहाँ के नहीं होंगे लेकिन जहाँ से भी है उसे मिलवाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो हमसे सबसे बहुत प्यार करते हैं, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। अब सारे राज़ एक हो सारे कुछ चीजें आपके के लिए छोड़ूंगी जनाब। और अली रजा, वक्त की कमी, इससे पहले कि मेरे कान में कोई बोले और वक्त खत्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अब मेरा काउंट डाउन शुरू होता है 1 2 3। आपसे मुलाकात हो रही है मेरी मंडे को, मंडे तक खूब इंजॉय करें, अपने वीकेंड को बहुत ज्यादा आपने अच्छे से गुजारना है, निकले शॉपिंग करें, मंडे का शो मत छोड़िएगा क्योंकि वो होता है आपका शो .co का शो, तो उसको मत छोड़िएगा जनाब। और स्पेशल शो है वो आप लोगों के लिए, वो मंडे को तो मिस करना ही नहीं आपने। यहाँ से मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।